जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 11वीं की छात्रा अनुष्का पांडे की संदिग्ध अवस्था में फांसी लगाकर मौत के मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। न्याय के लिए भूख हड़ताल पर बैठे परिजनों ने मांग पूरी होने के बाद अपनी हड़ताल समाप्त कर दी है। 7 दिन बीत जाने के बाद किसी भी नामजद आरोपी की गिरफ्तारी न होने पर अनुष्का को निष्पक्ष न्याय दिलाने के लिए जिला प्रशासन से परिजन बार बार सीबीआई जांच करवाने की मांग कर रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। अथक प्रयासों के बाद अनुष्का के परिजन के साथ नगरपालिका स्थित शहीद स्मारक पार्क में 2 दिन से अनिश्चितकालीन आमरण भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जिससे यह हड़ताल जिला प्रशासन के गले की फांस बन गई थी, क्योंकि अनुष्का के माता पिता को कई राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन खुलेआम मिल रहा था। राजनीतिक एवं 2 दिन से बैठे भूख हड़ताल पर माता पिता एवं ब्राह्मण समाज के दबाव में आकर आखिरकार जिला प्रशासन को सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से गुहार लगानी ही पड़ी। सीबीआई की जांच पर जब मुख्यमंत्री की मोहर लग गई, तब कहीं डीएम मैनपुरी एसपी के अलावा बीजेपी के जिला अध्यक्ष एवं अन्य कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास के बाद भूख हड़ताल टूटी, तब कहीं जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली। अब सीबीआई की निष्पक्ष जांच के बाद आरोपी सलाखों के पीछे होगा। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।